90,000 में हो जाए। 80 से 90,000 जी जी, 80 से 90,000 डाउन पेमेंट में मिल जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा ट्रैक्टर के बारे में। महिंद्रा में आप सभी लोगों को महिंद्रा 275 DI TUSP प्लस के बारे में इसकी सारी फीचर्स बताने वाले हैं कि कंपनी ने अभी इसमें क्या एडवांस की हुई है, क्योंकि इस टाइम में किसानों की सबसे ज्यादा डिमांड में ये ट्रैक्टर चल रही है। तो मेरे किसान दोस्त, आप लोग को इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आप सभी लोग इस ट्रैक्टर के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर सके कि पहले क्या थी, अभी क्या है और आगे क्या रहेगा, क्या इसके फीचर्स है, क्या माइलेज है, सारे कुछ डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग को वीडियो को अंत तक बने रहना है। और आप वीडियो को लास्ट में मैं आप सभी लोग को ये भी बताऊंगा कि आप लोग सबसे कम कीमत में खरीदना चाहते हैं गोपालगंज में आप लोग को कहाँ पे आना होगा, सारी कुछ डिटेल्स देंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहेंगे तभी आप सभी लोगों को सारी कुछ डिटेल्स हासिल हो सकेगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो लोग महिंद्रा लवर हैं, महिंद्रा के ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए मैं इसके सारे फीचर्स बताता हूं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो किसान भाई, अभी आप लोग ये जो ट्रैक्टर देख रहे हैं ना, महिंद्रा के 275 DI TUSP प्लस, सबसे पहली चीज आप सभी लोगों को इसमें कंपनी की जो है 6 साल की वारंटी दी रही है। साथ ही साथ मैं आप सभी लोग को बता दूं तो इसमें हाई टॉर्क के साथ आप सभी लोगों को मिल जाएगा इस ट्रैक्टर में 3 सिलेंडर। 3 सिलेंडर का ये ट्रैक्टर अभी है। और टायर की बात करें ना, तो पीछे की टायर में आप सभी लोगों को मिल जाने वाला है 13/6/28 की, और आगे की टायर की बात करें तो आगे के भी टायर में आप सभी लोगों को मिल जाने वाला है। कौन सा नंबर का आगे का टायर है ये? 6/0/16 है। 6/0/16 का आगे का टायर मिल जाएगा। साथ की आगे के फ्रंट की बात करेंगे तो फ्रंट में आप सभी लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। लाइट की बात करें तो ये LED लैंप हो जाएगा। इसकी इतनी हाई रेंज में लाइट है ना कि आप लोग रात्रि में भी आसानी से खेत में काम कर सकते हैं। और आगे की बम्पर की बात करें तो बम्पर देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी हैवी मिलता है। अगर ये ट्रैक्टर आप सभी लोगों को कहीं भी फंस जाता है खेती वगैरह में, तो बाहर खींचने के लिए हैवी कर लगा कर यहाँ पर रखा गया है। और अभी आप लोग इसके राइट साइड से देख रहे हैं, तो राइट साइड से देखेंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। साइलेंसर भी देख सकते हैं, साइलेंसर की डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। और बेल्ट वगैरह भी आप लोग देख रहे हैं, यानी इस ट्रैक्टर में आप सभी लोगों को काफ़ी कुछ खासियत मिलने वाला है। अगर आप लोग इस ट्रैक्टर की खरीदारी करना चाहते हैं ना, तो आप सभी लोगों को आना होगा कहाँ पे। सर एड्रेस बताइए। हमारा एजेंसी हथुआ रोड में राजरामा कॉम्प्लेक्स, हथुआ रोड मीरगंज। एजेंसी का नाम है राजरामा ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने जाना, तो इसकी जो है HP की बात करें तो 39 HP में ये आप सभी लोगों को ट्रैक्टर मिल जाने वाला है। और अभी अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बैक में दिखाता हूँ। इसको हाइड्रोलिक जो लोड कैपेसिटी की बात करें ना, तो ये 1500 kg तक लोड आसानी से उठा सकता है, जो एक बहुत ही हैवी होती है। आप सभी लोगों को देख सकते हैं हिंच पट्टी वगैरह सब कुछ, सब इसका हिंच भी काफ़ी अच्छे से दी गई है दोस्तों। कंपनी फिटेड है, सब कुछ जो है आप सभी लोगों को इस ट्रैक्टर में और ट्रैक्टर से बिल्कुल डिफरेंट मिलने वाला है। प्रीमियम लुक के साथ आप सभी लोगों को ये ट्रैक्टर होने वाला है। देख सकते हैं जैसा कि ये कलर की बात करें तो काफी यूनिक कलर का नहीं है, रेड कलर कॉम्बिनेशन के साथ। और एयर फिल्टर की जगह देख सकते हैं काफी यूनिक बनाया गया है, एक अलग डिजाइन में, एक अलग अंदाज में महिंद्रा कंपनी में इसको डिजाइन की हुई है। अगर आप लोग इसकी साइलेंसर की बात करें तो देखा आप लोगों ने, इसकी डिटेल्स बताइए सर। ये जो ट्रैक्टर है, बात करें तो घंटे में कितना पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल सॉरी डीजल ले सकते हैं? घंटे में देखिए, अगर नॉर्मल आप चलते हैं तो 2 लीटर। अच्छा। और अगर ज़्यादा हैवी, मतलब मान लीजिए हल हो गया, कल्टीवेटर हो गया, रोटर हो गया, ये सब में, तो 2 से 2.5 लीटर मैक्सिमम। 2 से 2.5 लीटर। जी, जी, जी। अगर जिस ट्रैक्टर के कोई भी किसान भाई मेरे खरीदारी करते हैं जी, अगर उनके पास कोई सा भी कृषि यंत्र हो, जैसे मिट्टी लोडर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, या किसी भी तरह के यंत्र हो, अगर वो लोग यूज करना चाहते हैं तो क्या इससे आसानी से यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इससे बहुत आसानी से होगा और बहुत ही स्मूथली काम करेगा। इसमें सबसे ज्यादा हाई टॉर्क दिया हुआ है। जी जी, तो हाई टॉर्क दिया हुआ है वो ठीक है सर। इसमें गियर कितने होंगे? गियर की आप बात करो तो 8 गियर फ्रंट पे है और 2 गियर जो है रिवर्स में है। 2 गियर रिवर्स में है। अगर PTU पावर की बात करें सर, तो PTU पावर कितना होगा? PTU पावर आप बात करोगे तो 34 HP
34 HP की PTO पावर में आप सभी लोगों को ये महिंद्रा मिल जाने वाला है। मैक्सिमम टॉर्क जो है इसका जो आप सभी लोगों को मिल जाएगा 135 Nm हो जाएगा। और बात करें ना दोस्तों इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो लिफ्टिंग कैपेसिटी जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बताया है 1500 kg होने वाला है, जो एक बहुत हेवी होता है। अगर आप लोग इस ट्रैक्टर की खरीदारी करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को आ जाना होगा राजा राम ट्रेडर्स हथुआ में, और हथुआ जो है गोपालगंज जिले में पड़ता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग इनसे जो नंबर है डिस्प्ले पर नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस ट्रैक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी ले सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। सर अगर कोई भी मेरा व्यूअर सब्सक्राइबर लोग खरीदना चाहते हैं तो ऑन रोड प्राइस इसका क्या पड़ेगा? इसका ऑन रोड प्राइस 7,10,000 है। आपका कोई सब्सक्राइबर आता है देख के आता है तो हम 10,000 रुपए डिस्काउंट देंगे। बिल्कुल, ये तो आपने फाइनल प्राइस बताया। अगर किसी को लोन कराना होगा तो लोन के लिए कम से कम कितना डाउन पेमेंट होना चाहिए? लोन के लिए आपको कम से कम 1,00,000 रुपए देना होगा। अगर सिविल अच्छा है तो उसके लिए 80 से 90 हजार में हो जाएगा। 80 से 90 हजार? जी जी, 80 से 90 हजार डाउन पेमेंट में मिल जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं ना? बिल्कुल सर, आप लेके देंगे। अच्छा सर ये तो बात हो गई। अगर मान लीजिए लोन कराएगा लोग, तो लोन कराएगा तो उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जी जी, और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ग्रांटर चाहिए। जी जी, तो डॉक्यूमेंट्स कौन सा चाहिए और ग्रांटर? डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए, और आपका मतलब जो भी KYC है सारा अपडेटेड चाहिए। सारा अपडेटेड चाहिए और ग्रांटर भी चाहिए? हाँ गारंटर चाहिए सर। ग्रांटर के भी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए? हाँ, गारंटर का KYC लगेगा और बैंक पासबुक, ग्रांटर का KYC और पासबुक लगेगा। हाँ, तो यही सब सारी जानकारी थी इस ट्रैक्टर के बारे में। अगर आप लोग इस ट्रैक्टर को खरीदना चाहते हैं तो जो डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है उस नंबर को कॉल कर लेना है और इनसे संपर्क करके इस गाड़ी की खरीदारी कर लेना है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि जो लोग महिंद्रा ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और वो लोग इस वीडियो के माध्यम से ट्रैक्टर की खरीदारी कर सकें।